तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैम पे के कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। अब ये हिडन चार्जेस क्या हैं, आपको ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, नहीं तो फिर यहाँ से आपका जो पैसा है वो बेवजह आपका काटा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और क्यों ये पैसा क्यों काटा है और ये पैसा आपको रिफंड मिलेगा भी नहीं। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 49 रुपये, इस तरह से आपसे चार्ज काटा जाएगा और ये जो पैसा आपको रिफंड देगा भी नहीं। फिर चाहे आप इनको ईमेल करो, आप चाहे इनसे फ़ोन पे बात करो या फिर कोई भी तरीका जुगाड़ लगा लो, ये आपको पैसा नहीं देंगे। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आपके अकाउंट में ये ऑप्शन को आपने अगर डिसेबल नहीं किया है फिर तो भाई आपका नुकसान होना ही होना है। तो अगर आपको जानना है तो उससे पहले देखो, आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए बहुत सारे ऑफर्स वगैरह लाते रहता हूँ जिसकी मदद से आप लोग काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से आप इनकम अपना कर पाओगे। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लेना, और अगर आप लोग मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो आप हमारे बोर्ड पर आके हमसे जानकारी इसका ले सकते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक की ओर आते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हिडन चार्जेस जो है, जो पैसे लगते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता चलता, तो आपको उसको कैसे क्लोज करना है और उसमें को हमें क्लोज क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रांजेक्शन अलर्ट के नाम पर, तो आपको सिंपली सा इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, दो तीन चीज़ें हैं आपको ध्यान से समझने वाली बात, वो ये है कि अगर नॉर्मली आप देखते होंगे कि अगर हम लोग बैंक से भी अगर हम पैसे का यूज़ करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें डेबिट या फिर क्रेडिट का मैसेज आता है। अगर वो मैसेज को अगर आप यहाँ से अनेबल करते हो फैम पे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बोला गया है, गेट SMS अलर्ट ट्रांजेक्शन 1000। अगर 1000 रुपये से अगर कम का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो फिर आपको 50 रुपये एक साल में चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आपको इसको अनेबल करना तो 50 रुपये पे करके आप यहाँ से अनेबल कर सकते हो। नॉर्मली अनेबल पे जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा कि आप इसको यूज़ करो, ये बिल्कुल मतलब फालतू चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो SMS अलर्ट अबव 1000 और उससे ट्रांजेक्शन। अब अगर 1000 या उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन अगर आप करोगे तो बिल्कुल फ्री है, अगर आप 1000 से कम करोगे तो फिर यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप क्लोज रहने दीजिएगा, इसको आप ऑन कर सकते हो। अब उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है ईमेल अलर्ट का। अब ईमेल अलर्ट ये है कि अगर आपने जिस भी फैम पे में आपने जो भी ईमेल आईडी दे रखा होगा, अगर आप इसमें 1 रुपये का भी या फिर 100 रुपये का, 500, 1000 जितने का भी ट्रांजेक्शन करते हो, आपको ईमेल पे तुरंत नोटिफिकेशन आता है कि आपका इतना पैसा गया हुआ है। तो बस इन दोनों चीज़ को आपको ऑन करना है, अगर आपका ये ऑलरेडी ऑन होगा तो इसको आप ऑफ कर देना, तो 50 रुपये आपका हर साल पैसे काटा जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। बाकी इसको ऑन कर देना बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पर अगर आप पुश नोटिफिकेशन पे जाओगे तो ये हमारे लिए कुछ ऐसे काम का नहीं है, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन से जो आते रहता है, जैसे हमारे पास जो पैसा, अगर किसी ने पैसा भेजा अगर वो क्रेडिट होता तो उसका मैसेज जो आता है, डेबिट का मैसेज नहीं आता, जो हमारे पास क्रेडिट होता है उसका जो पैसा आता है वो इसका मैसेज का सिंपल सा मतलब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बार वीडियो के बारे में पता चल चुका होगा, पर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो और आने के बाद हमसे जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप उसकी जानकारी ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी की बात करेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो पे।